तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 एनिमे सीरीज के कंप्लीट वॉचर्ड के ऊपर। अगर हम इस एनिमे का एक शॉर्ट रिव्यू करें तो एक एक्शन मिलिट्री साइंस फ्रिक्शन एक सुपर पावर एनिमे है जिसे एनिमेटेड किया था प्रोडक्शन आईजी ने। तो अगर हम इस एनिमे की बेसिक स्टोरी के ऊपर बात करें तो मैं आपको ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर होने वाला है काफ्का हपिनो, जो एक ऐसे वर्ल्ड में रहता है जहाँ पर बहुत सारे काइजूज अपीयर होते हैं। ये काइजूज काफी हद तक सिमिलर लाइक गॉडज़िला की तरह होते हैं। ये सिटीज में आते हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो इन काइजूज को मारने के लिए एक स्पेशल डिफेंस फोर्स बनाई जाती है जो कि जापान के लोगों को प्रोटेक्ट करती है इन काइजूज से, और जापान के लोग इन्हें अपना हीरोज मानते हैं। तो हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर काफ्का का यही ड्रीम होता है कि इस फोर्स को वो ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन आगे ये एपिसोड 1 के अंदर ही कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है कि हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर खुद ही एक काइजू बन जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, जिसके पावर्स लेवल्स आपको काफी हद तक वन पंच मैन के सेठमा की याद दिलाएगा। तो उसके बाद इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि किस तरह हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर अपना ड्रीम पूरा करता है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का, और अपनी काइजू की आइडेंटिटी को किस तरह छुपाता है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये एनिमे, जिसे देखना कम्प्लीटली वर्थ इट है। साथ साथ हम इसके मांग के ऊपर भी बात करेंगे और खास तौर पर इसके हिंदी डब के ऊपर। तो इस एनिमे का फर्स्ट सीजन इसी साल रिलीज हुआ है April 30, 2024 को और June 29, 2024 तक चला था। इसके फर्स्ट दिन आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 23 मिनट और माय एनिमे लिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली है 8.38 की, और इसका सीजन 1 कम्प्लीटली एंड हो चुका है। और इस एनिमे की इतनी बड़ी सक्सेस देखने के बाद इस एनिमे का सेकंड सीजन भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, जिसकी प्रोडक्शन जारी है, और हम बिलीव कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर आपको इसका सेकंड सीजन देखने को मिल जाएगा। इस एनिमे के अभी तक टोटल 11 एपिसोड इंग्लिश डब में रिलीज हो चुके हैं और बहुत जल्द इसका 12 एपिसोड भी इंग्लिश डब में रिलीज हो जाएगा, लेकिन हिंदी डब के इसके अभी तक सिर्फ 10 एपिसोड ही हिंदी डब में रिलीज हुए हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इसके लास्ट 2 एपिसोड अभी तक हिंदी डब में रिलीज नहीं हुए, लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं क्योंकि इसके हिंदी डब इंतहाई मास्टरपीस हैं जो कि स्पेशली क्रंचीरोल ने डब किए हैं, और मेरे पर्सनली इस साल में सबसे बेस्ट एनिमे है जो कि सबसे बेस्ट तरीके से हिंदी डब किए गए हैं। तो अगर आप इस एनिमे को देखना चाहते हैं तो आप इसे जरूर हिंदी डब में ट्राई करें, वरना इसकी इंग्लिश डब भी बहुत ही बेस्ट है। अगर हम इसकी मांगा के ऊपर बात करें तो काइजू नंबर 8 के अंदर आपको टोटल 12 वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको टोटल 110 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। स्टिल इस एनिमे का भी न्यू चैप्टर रिलीज हो रहे हैं, तो इसके एनिमे की स्टोरी बहुत ही लॉन्ग रनिंग होने वाली है, और एट द मोमेंट इसके मांगा टॉप 10 सबसे पॉपुलर मांगाज में है और मांगा कम्युनिटी में कम्प्लीटली टॉप पर जा रही है। तो आप इसके मांगा जरूर पढ़ सकते हैं इसकी फ्यूचर की स्टोरी जानने के लिए। तो ये अभी तक का लेटेस्ट कंप्लीट वॉच ऑर्डर काइजू नंबर 8 का। तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट्स आएंगे तो मैं यूट्यूब पर सेंड कर दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपके फेवरेट एनिमे के वॉच ऑर्डर बताता रहूं, एंड थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।